हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रम। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा यूनिट फोर्थ का मैराथन। इसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगी, क्योंकि आप लोग काफी से मैसेजेस कर रहे हैं। कंसीडरिंग दैट इन माइंड, पहले एमसीक्यू लेके आऊंगी यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ के, उसके बाद हम यूनिट फाइव करेंगे। ठीक है, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम के, जेके एसएसबी सुपरवाइजर। और इसमें हमारा जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री का लास्ट वीडियो बचा है, कंप्यूटर के एक दो वीडियोस बचे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं और आप रेगुलर वीडियोज चाहते हैं स्पेशलाइजेशन पोर्शन के, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस, ठीक है, एंड ऐसे एमसीक्यू सीरीज, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सोशियोलॉजी आपको ऑप्शनल है, तो भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस पर मैं नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी की सीरीज भी कवर करवा रही हूँ, जिसमें हमारा पेपर एक आवर हो गया है एंड पेपर भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ठीक, एंड आने वाले टाइम में जैसे आपके एग्जाम्स होंगे एनटी वगैरह, उसके रिलेटेड भी आप वीडियोस देखेंगे, प्लस यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है उसके भी वीडियोस में लेके आऊंगी। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रिविजन सीरीज लेक्चर नंबर 34, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपको अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो लेक्चर नंबर मैंने साथ में लिखा हुआ है, इन केस आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आपको इन कंटेंट जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपको इन डेप्थ एक बार उनका वीडियो देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशलाइजेशन कोर्स की, वहां से आपको ये वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो ये एक रिविजन सीरीज है, हम क्विकली रिवाइज करेंगे जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, बेसिकली जो इंडिविजुअल सीक कर रहे होते हैं जॉब, जॉब ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, दैट मीन उनको जॉब नहीं मिलती है, और उन्हीं का जब हम एक रेट निकालते हैं वो कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो वो आपकी होती है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक अनएम्प्लॉयमेंट टर्म है, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि अगर आपकी स्किल ज्यादा है, आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब, फॉर एग्जाम्पल कोई पीएचडी होल्डर है, ठीक है, पीएचडी स्कॉलर है, अब वो पार्ट टाइम जॉब एक डिलीवरी बॉय की कर रहा है, दैट मीन्स अपनी स्किल से कम जॉब आपको करनी पड़ती है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको यूआरबी लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये रेशियो है पीपल विदाउट जॉब्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड नेशन लेबर फोर्स। नेशन की लेबर फोर्स में कौन से लोग आते हैं, वो लोग जो काम करने के केपेबल होते हैं। ठीक है, जब हम पीपल विदाउट जॉब्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लोग जो काम करने के केपेबल है उनसे, तो वो आपको देता है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है। तो आप ये भी बोल सकते हो, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये हमें ये भी बताता है कि कितने लोगों के में केपेबिलिटी है या इनकेपेबिलिटी है एक जॉब या अच्छी सी लाइवलीहुड हासिल करने की। ठीक है, तो वो भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट से पता चलता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो साइन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, इनवर्स दैट मीन्स जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी कम आपकी इकोनॉमी ग्रोथ ग्रो करेगी। ठीक है, दैट मीन्स इकोनॉमी अगर ग्रो आपकी अच्छी करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी, सिंपल है। फिर मीगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी होगी। ठीक है, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब ज्यादा लोग बेकार बैठे हुए हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है दैट मीन्स ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे एक चीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ओवरहीटिंग इकोनॉमी। एक्चुअली जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी एक बैलेंस्ड वे में आपकी इकोनॉमी में होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ओवरहीटिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी है सबके पास, दैट मीन्स सबके पास जॉब है, जॉब है तो सबके पास पैसे हैं, तो लोग खर्च करेंगे। उसका क्या मतलब हुआ, आपकी जो डिमांड, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिमांड साइड फैक्टर्स एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड कैसे साइकिल चलता है, तो लोगों में क्या बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, आपकी अकॉर्डिंगली आपका मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। ठीक, अब जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पता है कि लोगों के पास पैसे हैं चीजें खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो आपको चीजें कॉस्टली बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत है, उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो ओवर हीटिंग इकोनॉमी जो मैंने आपको बोला ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होने से होगी, वो हमें कैसे पता चलती है, दो चीजों से, कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नॉर्मल रेट से भी कम हो गई है। ठीक,
आगे एक कर्व है जिसको हम फिलिप्स कर्व बोलते हैं। दरअसल ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या रिलेशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जब वो कम होगी, ठीक है, तो आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम का क्या मतलब है, ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं। अगेन जो मैंने आपको ऊपर सारा या एक्सप्लेन किया, ओवरहीटिंग इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट, राइजिंग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो खर्चने को तैयार है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। इन्फ्लेशन मीन्स जो महंगाई, इसको रिप्रेजेंट किया था फिलिप्स कर्व ने ऐसे कि यहां से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कहां कब बढ़ रही है, जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटती जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का घटना, कम होना इज ए गुड साइन, है ना, एक हेल्थी इकोनॉमी का साइन है। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। लेकिन जब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाए और सारे लोगों के पास जॉब है, तो आपकी इन्फ्लेशन राइज हो जाती है, ये आपको याद रखना होगा। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये वॉलेंटरली भी आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, इनवॉलेंटरीली भी। ठीक है, वॉलेंटरी मीन्स बाय चॉइस, अभी आपको काम नहीं करना है, मे बी आप दूसरा काम ढूंढ रहे हो, या आपको अपने लेवल का काम नहीं मिल रहा है, अपने स्किल का, वो वॉलेंटरी हुआ। इनवॉलेंट्री मीन्स आपका इसमें कोई ये नहीं था इन्वॉल्वमेंट, आपको आपकी, फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तो वो आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, इसको डिमांड डिफिशियंट भी बोला जाता है, ठीक है, जनरल भी बोला जाता है, जनरल जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, या कीनीजियन, ये के है, कीनीजियन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जब चीजों की डिमांड गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी कार्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, उसके जो, लेकिन कार्स की डिमांड मार्केट में गिर गई है, फाइन, तो इसमें क्या होगा, जहां पे वो 100 एम्प्लॉइज को यूज करते थे कार्स बनाने के लिए, अब उसकी जगह डिमांड बहुत कम है, तो उनको 100 की जरूरत नहीं है, उनको कितने, उनको 50 एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो 50 को फायर कर देंगे। ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इस रीजन की वजह से जनरेट होती है, उसको बोला जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट रन होती है एंड ट्रेड साइकिल पे डिपेंड करती है, कैसा आपका ट्रेड साइकिल चलता है, चलेगा, एंड ये थोड़े टाइम में ठीक भी होने के इसके चांसेस होते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन, जैसे हमने मार्केट इम्परफेक्शंस पढ़ा था कि पॉलिसीज को लेके कोई प्रॉब्लम है, टैक्सेस को लेके कोई प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई प्रॉब्लम है, ठीक, या जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, अब न्यू स्किल सेट चाहिए, जैसे हमारा आईटी सेक्टर बहुत बूम कर रहा था, तो उसके लिए हमें लोग चाहिए थे जो वेल वर्स हो कंप्यूटर्स में, और अगर आपके पास ऐसे अभी तक काम कर रहे हैं जो वेल वर्स नहीं है, जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, तो आपको उनको निकालना पड़ेगा और नए लोग हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, उस रीजन की वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हो सकता है आपको कोई सिचुएशन दी हो और आपको बोलना हो ये किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसको रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, कि आपको वेजेस जो है वो कम मिल रही है, अपने हिसाब की आपको वेजेस नहीं मिल रही, तो आप वो काम क्यों करोगे, है ना, आप वो काम नहीं करते हो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टूरिज्म, कोई यहाँ पे आप ले लो जेएनके की एग्जाम्पल ले लो, कश्मीर में काम करता है, तो जब इनका अच्छा सीजन चल रहा होता है उस टाइम पे जो वहां पे काम कर रहे होते हैं वो ऑफ सीजन में बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट टूरिज्म से रिलेटेड हो सकता है या फार्मिंग से, कोई क्रॉप सारे हार्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो सीजनल क्रॉप है, तो जब वो ऑफ सीजन होगा तो फिर कहाँ जाओगे। ठीक, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, जब आप एक जॉब आपने छोड़ दी है, आपको निकाल दिया है कोई भी रीजन हो, अब आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अनदर वन, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, क्या आप अभी जॉब कोई नई ढूंढ रहे हो, तो उस वो किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जीरो, देयरफॉर इसका क्या मतलब हो गया, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल एट एनी टाइम, दैट मींस कोई भी ऐसा टाइम निकाल लो आप जहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करनी हो, ये रेट कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक ग्रुप ऐसा होगा जो उस टाइम पे कोई जॉब, नई जॉब ढूंढ रहा होगा, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस टाइम पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो कोई एक फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाला कोई सीन नहीं है। वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आप मर्जी से काम नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको जनरल जेनरस वेलफेयर बेनिफिट मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको काफी ऐसे स्कीम्स वगैरह या आपको कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आपको काम करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही, या हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स जो है, आपको लग रहा है कि आप इतना कमा रहे हो उसका मेजोरिटी पोर्शन तो आपको टैक्स भरना है, तो आप क्या बोलते हो, मुझे अभी कोई काम नहीं करना, दैट इज वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से आप नहीं कर रहे हो। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, इसमें इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर की। ठीक है, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक, जो लोग काम करते हैं फार्म पे, अगर वहां पे वो किसी एक
एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फार्मिंग एक्टिविटी में, ठीक है. तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं एंड उनका जो यील्ड आता है वो भी 100 पॉइंट्स का है, ठीक. अब आप क्या कर रहे हो, उन 100 लोगों की जगह उस फार्मिंग एक्टिविटी में इस टाइम पे कोई क्रॉप चाहे हार्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 200 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है. लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी 100 पॉइंट्स ही है. दैट मींस आप ऑल्दो जहां पे 2 लोगों की जरूरत होगी वहां पे आप 10 लोगों को लगा रहे हो, लेकिन क्रॉप्स आपको उतने ही मिल रहे हैं, ठीक है, जितने आपको 2 लोग में मिलेंगे. तो जो आपने एक्स्ट्रा लोग वहां पे लगाए हैं वो उनकी कोई ये नहीं है, रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं है. उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पे 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, कोई प्रोडक्टिविटी वहां पे आपको अचीव नहीं होगी, ठीक है. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड, लेकिन जॉब नहीं मिल रही. ये इसमें हो सकता है केसेस में, इंजीनियरिंग फील्ड में इतनी सेचुरेशन आ गई है, हमारे पास कितने इंजीनियर्स हैं लेकिन सारे मेजोरिटी जॉबलेस हैं. सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, सबको सिविल सर्विस एस्पिरेंट बन ये सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो कितने साल लग जाते हैं, 4, 5, 6 साल लोग स्पेंड करते हैं इसकी कोचिंग में, क्योंकि उनको वो आईएएस ऑफिसर बनना ही है, ठीक है. तो जो 6 साल वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कैपिटल इंटेंसिव, ये वहां पे जहां पे आप ज्यादा मशीनरी यूज कर रहे हो एंड अब आपको लेबर्स की जरूरत नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जो कैजुअल वर्कर्स शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, उसकी जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उनके पास कोई काम नहीं रह जाता, फाइन, उसको हम बोलते हैं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या डिमांड गिर गई है किसी चीज की जहां पे वो काम करते थे, कोई रेस्टोरेंट में कोई फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में मोमोज बनाती है कोई एक पार्टी, ठीक है, बाद में डिमांड की गिर गई मोमोज की, वहां मोमो खाने कोई नहीं जाता, तो जो वो लोग हैं वहां पे तो उनको कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो उनके फॉल इन डिमांड की वजह से हुई है, या फैक्ट्री की ओनरशिप चेंज हो गई एंड कुछ को फायर कर दिया गया, वो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी में आती है. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए रह जाती है. इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं है, पॉपुलेशन आपकी एक साइड से बहुत बढ़ रही है लेकिन फिर उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो वैसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो काफी लंबे टाइम के लिए रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. और इस वजह से भी होते हैं जब आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफी पुअर होगी. एनएसएसओ ने हमें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसने हमें 3 मेजर्स दिए अनएम्प्लॉयमेंट के, यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस, ठीक है. यूजुअल स्टेटस में क्या करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में निकालते हैं कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, तो यहां से हमें लोअर एस्टिमेट मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का. वीकली स्टेटस में क्या करते हैं, नो वर्क इवन फॉर एन आवर ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड. इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में वो इंक्लूड होते हैं जिन्होंने एक जो सर्वे पीरियड होगा वीक का, क्योंकि वीकली स्टेटस है, उस वीक में एटलीस्ट 1 घंटा भी काम नहीं किया हो, ठीक है, अगर 2 घंटे किया हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम 1 घंटे काम जो है वो करने चाहिए. करंट डेली स्टेटस क्या होता है, ये 1 दिन का निकालते हैं या कुछ दिनों का ड्यूरिंग द सर्वे वीक, और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है. फाइन, 3 मेजर्स है अनएम्प्लॉयमेंट के. फिर जो मॉस्पी है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने क्या किया, एक सर्वे लेके आए, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट, ये मॉस्पी का फुल फॉर्म याद रख लेना, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता, आपको फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्वे लाया, उस सर्वे को बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. मिनिस्ट्री के अंडर किस बॉडी ने सर्वे किया, एनएसओ ने. इन्होंने क्या कहा, चंडीगढ़ जो है वहां पे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज 5.6%, और इन्होंने कहा ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हो रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रेट जो है वो आपकी बढ़ रही है, एंड लेबर फोर्स होता क्या है, वो वर्किंग लोग जो वर्किंग और सीकिंग वर्क वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो केपेबल हैं, जिनमें पोटेंशियल है काम करने के एंड वो काम ढूंढ रहे हैं. फिर 2022-23 का डेटा देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेल की थी 3.3, फीमेल की 2.9 एंड एग्रीगेट इज 3.2, फाइन. एंड जेएनके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, जुलाई सितंबर 2023 का डेटा है 10.7%, तो ये डेटा जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है. अब कॉजेस क्या हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कास्ट सिस्टम हो गई, ठीक है, जैसे कोई पोटेंशियल है कैंडिडेट में, फाइन, लेकिन सो कॉल्ड लो कास्ट को बिलोंग करता है तो वो चाहता ही नहीं है कि वो किसी ऐसी सेटिंग में काम जाके
जाके काम करे जहां पे सो कॉल्ड हाई कास्ट लोग भी हो। तो इस वजह से काफी जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, इकोनॉमी ग्रो नहीं करी सही से, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो रिसोर्सेस कम है, आप कैसे हर किसी को जॉब दोगे। फाइन, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये अगेन वो साइक्लिकल वाले में हमने डिस्कस किया है, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे वो सेव नहीं करेंगे, कम सेविंग होगी, सेव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी उनके पास, कोई एक्स्ट्रा इनकम कोई रिटर्न नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो डिमांड काफी कम होगी, जब डिमांड प्रोडक्ट्स की कम हो तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली लेस होगी, प्रोडक्शन कम, जब प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी मैन्युफैक्चरर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को, या अगर स्किल्स भी नहीं है लोगों में तो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो सकती है। बाकी इसको मैंने कंपाइल पीडीएफ में और भी लिखे हैं, वो आप वहां से देख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स J&K अंडर मिशन यूथ, कोई और स्कीम्स भी हैं जो सेंटर की हैं, अगर आपके पास टाइम है कंपाइल पीडीएफ में है एक बारी ओवरलुक कर लेना, लेकिन J&K की देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो मुमकिन स्कीम का नाम है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, जनरेट करने के लिए लाइवलीहुड जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है उनके लिए, जो ये स्कीम किस चीज की है, उनको हेल्प करने के लिए ताकि वो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स ले सके, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल सर्विस भी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, JKE सर्विस पोर्टल, और स्पेशल इंसेंटिव देते हैं 0.80 लाख और 10% ऑफ ऑन रोड प्राइस ऑफ ऑन रोड प्राइस ऑफ व्हीकल उसका 10% और 0.80 लाख रुपीज, ठीक। स्पर्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, ये बिजनेस यूनिट के लिए हेल्प करने के लिए, किसको हेल्प करता है ये हेल्प कर, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है यंग वुमेन को, प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा नहीं है सिर्फ यंग वुमेन के लिए है। तो थीम क्या है बेसिकली इसका, यूथ एंटरप्राइज विद इनोवेशन यू विन, और एज कैटेगरी क्या है इसकी, 18 to 14 ईयर्स, और मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड और अबव, ठीक है। तो इनको इंसेंटिव दिया जाएगा अपना बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करने का। तेजस्वनी द रेडियंट, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंग वुमेन, ठीक है, तो सब सिर्फ किनके लिए, यंग वुमेन के लिए, तो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स अपना कोई बिजनेस यूनिट वगैरह स्टार्ट करने वाले होंगे उनके लिए है, एज 18 to 35 ईयर्स, क्वालिफिकेशन 10th और अबव, एंड कितना इंसेंटिव दिया जाएगा इनको, अप टू ₹5 लाख। फिर आगे साहित्य प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किसके लिए, फॉर यूथ इन डिस्ट्रेस, ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है टॉपिक MCQ के लिए अगर ऐसे आ जाए कि साहित्य प्रोग्राम जो है वो किनके लिए है, वुमेन के लिए, डिसेबल्ड के लिए, ओल्ड या पेंशनर्स के लिए, ठीक है, तो ये किनके लिए, यूथ इन डिस्ट्रेस के लिए है। वो कौन से लोग हैं जिनके कोई रिश्तेदार वगैरह की डेथ हुई होगी किसी इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्शन में, ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, माइंड ब्लास्ट इंसिडेंट जो यहाँ पे होते रहते हैं, इन सारे इंसिडेंट्स में अगर किसी ने किसी एक रिलेटिव को खोया है तो, एंड वो काफी डिस्ट्रेस में है इस चीज की वजह से, एंड वो इस एज कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो इसको इंटेंसिव इंसेंटिव दिया जा सकता है 2 लाख रुपीज सेटअप करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट, ठीक है, ताकि वो अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट वगैरह स्टार्ट कर सके अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस। यूथ इनोवेटर्स प्रोग्राम, ठीक है, ये किस लिए है, इनहांस करने के लिए यंग पीपल्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसके अंडर क्या क्या एक्टिविटीज की जाएंगी, सपोर्ट करेगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस यूनिट्स, कोई किसी के पास कोई नया बिजनेस यूनिट, इनोवेटिव बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको सपोर्ट करेगा, एक सपोर्ट करेगा आइडिया कॉन्टेस्ट को, ठीक है, अगर किसी के पास ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज होंगे उसको देखेगा, प्रमोट करेगा सोशल एजुकेशन इनोवेटर्स को, एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव जो भी होंगे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज को ही प्रमोट करेगा, नाम के यंग इनोवेटर्स ग्रुप, यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम। फिर राइज J&K क्या है, ये एक कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, ये किसके लिए है, एलिजिबल यूथ ग्रुप के लिए, एक यूथ ग्रुप सा बनाएंगे लोग, फाइन, उनको क्या किया जाएगा, उनको ₹2.5 लाख to 20 लाख या 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये इंसेंटिव मिलेगा, बेसिकली सारे आपके अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये अब आप देख रहे हो इन स्कीम्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, लोगों को थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से हटाया जा रहा है और वो अपना अगर स्टार्टअप या बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान ले रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो जॉब क्रिएटर बने, ठीक है, एक जॉब सीकर बन के सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ना बढ़ाए, एंड लोन बाय बैंक भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा 70% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹17.50 लाख, ठीक है, इतना इनको बैंक से लोन मिलेगा, एंड जो बैलेंस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है जो कि लेस देन होगा, ये लेस देन है यहाँ पे, जो कि लेस देन होगा 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो उनको खुद से अरेंज करना है, ठीक।
देखो आई नो कि मैं तेज तेज पढ़ा रही हूँ क्योंकि काफी कंप्लीट करना है छोटे कम टाइम में, तो अगर किसी को लग रहा होगा मैं तेज बोल रही हूँ तो आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है स्पीड को रिड्यूस करने का, तो आप इसको स्पीड को रिड्यूस करके भी देख सकते हो। योग्यता से रोजगार, ये एक टेक्निकल एक्सपर्टीज है फॉर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, एग्री, एग्रीकल्चर के एलीट सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। योग्यता से रोजगार, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ एक बार फिर से देख लो, जो लोन बाय बैंक है या तो 70% ऑफ द प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा वो प्रोवाइड करेगी, या तो 17.50 लाख, इन दोनों अमाउंट में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो लोन आपको कौन देगी? बैंक। बेरोजगार से स्वरोजगार स्कीम 2024, इस स्कीम के अंडर एटलीस्ट 5 पीपल जो है इन एवरी पंचायत उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, ठीक। ये हो गया हमारा लेक्चर 34, अब 35 की तरफ चलते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? जैसे एक्सप्लोजन क्या नाम होता है, मतलब एकदम से कोई एक्सप्लोड हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, तो वही एक टाइम पे क्या होगा, किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर सडन राइज हो गया पॉपुलेशन में, ठीक है, अचानक से एकदम से सडनली पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, किसकी वजह से बढ़ सकती है? इंक्रीजिंग नेटेलिटी, डिक्रीजिंग मॉर्टेलिटी, दैट मीन्स बर्थ रेट बढ़ रही है आपकी एंड डेथ रेट जो है वो कम हो रही है, उस चीज की वजह से क्या हो जाएगा, सडन हाइक हो जाता है पॉपुलेशन में, सडन हाइक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सडन राइज को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया में जो ग्रोथ रेट हम इंडिया का ईयर बाय ईयर ट्रेस करते हैं उसको 4 डिफरेंट फेजेस में दिया हुआ है। पहला जो फेज है वो 1901 टू 1921 है, इसको स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज बोला जाता है। इसमें जो ग्रोथ रेट है वो लो थी या आपकी नेगेटिव थी, ठीक है, तो नेगेटिव क्यों थी, क्योंकि जो ये है आपकी बर्थ रेट वो आपकी हाई थी, लेकिन साथ में जो डेथ रेट थी वो भी बहुत हाई थी, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी मेडिकल हेल्थ उस चीजों की, ठीक है, आपका जो केयर कर सके, हेल्थ केयर उतना एडवांस नहीं था, इस वजह से डेथ रेट जो थी वो भी हाई थी, तो जो ग्रोथ रेट रही है हमारी वो नेगेटिव में या लो रही है। फेज सेकेंड 1921 टू 1951, इसमें स्टेडी, दैट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ हम जा रहे थे, हेल्थ सैनिटेशन ये सारी चीजें इंप्रूव हो गई थी, एंड जो डेथ रेट है जिसको मॉर्टेलिटी रेट बोला जाता है, इट वॉज ब्रॉड डाउन। फेज थर्ड आपका रहा 1951 टू 1981, इसको पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया बोला जाता है। इस टाइम पे क्या हुआ, रैपिड फॉल इन मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो है वो काफी कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट अभी भी काफी हाई थी, एंड डेथ रेट कम किस वजह से हुई, अगेन आपका जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन वगैरह ये सारी फैसिलिटीज इंप्रूव होती गई, तो डेथ रेट का कम आना नेचुरल था, लेकिन यहाँ से जो बर्थ रेट थी उसको कंट्रोल करने के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं किया था, तो बर्थ रेट आपकी बढ़ रही थी, तो ग्रोथ रेट किस पे हो रहा था, एट 2.2%, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। फेज फोर्थ हुआ आपका पोस्ट 1981, इसमें क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट है इट वाज इंक्रीजिंग बट कंट्रोल्ड बर्थ रेट एंड डेथ रेट, अब बर्थ और डेथ दोनों को कंट्रोल किया गया, दैट मींस बर्थ रेट को भी लेके उसको कंट्रोल करने के भी मेजर्स आ गए थे मार्केट पे, ठीक है, आपको क्या टेक्निक्स यूज करनी है बर्थ रेट को कंट्रोल करने की, एंड फीमेल्स को एजुकेट करना चाहिए कि कितने चिल्ड्रन जो है उनके लिए अच्छे रहेंगे, उनको उनकी हेल्थ के बारे में थोड़ा बताना कि कितनी प्रेगनेंसी जो है वो उनकी हेल्थ को सपोर्ट करेंगी, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग फीमेल्स को एजुकेट करना, तो ये सारा फोर्थ फेज में हुआ, तो यहाँ पे रिलेटेड है, अगर आपको एग्जाम में आता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो कब रहा है इंडिया में, फेज थर्ड। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन करंट क्या है, 8.0 बिलियन एंड इंडिया की 1.43 बिलियन 2023 में, ठीक है। अब कॉजेस, उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ मॉडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ये किसने दिया था, वॉरेन थॉम्पसन ने, ये बेसिकली 4 स्टेज मॉडल है जिसमें वॉरेन थॉम्पसन ने बताया कि जो कंट्रीज हैं वो अपना जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वहां कैसे होता है और कैसे किन स्टेजेस में वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट वैरी करती है। तो पहले ने कहा स्टेज वन में कंट्रीज में क्या होता है, बर्थ रेट हाई होती है, डेथ रेट हाई होती है, स्टेज टू में बर्थ रेट हाई होती है, डेथ रेट फिर डिक्लाइन करने लगती है, उसके बाद ये स्टेज अचीव करती है कंट्रीज, फिर क्या होता है स्टेज थ्री में आ जाते हैं, बर्थ रेट थोड़ा डिक्लाइन होने लगती है एंड डेथ रेट अब लो हो जाती है, स्टेज फोर में अब लो बर्थ रेट हो जाएगी एंड लो डेथ रेट हो जाएगी, ठीक है, जैसे अभी हमने इंडिया के केस में भी पढ़ा था यही प्रोग्रेशन हुआ था, ठीक है। अब इस स्टेजेस इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के स्टेज में आकर करेगा स्टेज टू में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के और कॉजेस क्या होते हैं, हाई बर्थ रेट है, पॉवर्टी है, लोगों को पता नहीं है, गरीबी है, उनको लगता है कि फैमिली जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी वो कल को हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे, फार्मिंग एक्टिविटीज में, तो वो इकोनॉमिकल वैल्यू देखते हैं फैमिली की, इसीलिए कहते हैं ज्यादा बच्चे अच्छे हैं।
इलिटरेसी है, पता नहीं है कंट्रोल डिवाइस वगैरह कौन से यूज करने हैं इसको रोकने के लिए, एंड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है वो नहीं फॉर्म कर सकते हैं इलिटरेसी इलिटरेट लोग। इमिग्रेशन, मैंने आपको पहले भी कहा था लेक्चर्स में, आई और ई से याद रख लेना, इमिग्रेशन आई मीन्स इन, तो आपकी कंट्री में अगर कोई आया, ठीक है, इमिग्रेशन हो गया उसका ऑपोजिट आउट। इमिग्रेशन क्या हुआ, माइग्रेट करके अगर हमारी कंट्री में लोग रहने आ गए, वो भी एक रीजन हो सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक, इफेक्ट्स क्या होते हैं, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स उतने कम होंगे, एक आबादी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी, जितना वाटर की जरूरत पड़ेगी उतना आप क्या करोगे, आपके जो जैसे रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर है वो आप उतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा, जब ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि अगेन आपके जितने रिसोर्सेज हैं वो सपोर्ट नहीं कर सकते इतनी ज्यादा इकोनॉमी को, तो जॉब क्रिएशन वगैरह ये सारी चीजें उतनी नहीं होंगी, ज्यादा बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं जहां पे ज्यादा ओवरक्राउडिंग हो जाती है। इसमें और भी इफेक्ट्स हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, जो मैंने सारे पॉइंट्स कंपाइल पीडीएफ में लिखे हैं, लेकिन आप इतना भी अगर याद रखोगे तो चल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है वो आपको लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, उसमें मैंने ग्लोबल वार्मिंग डिटेल में बिल्कुल एबीसी बेसिक्स की तरह एक्सप्लेन किया है वो होता क्या है। ठीक, अब अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो आप डिटेल में देखो, अगर नहीं तो बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग होता है जब जो अर्थ का सरफेस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जितना गर्म होना चाहिए था उससे ज्यादा इंक्रीज हो रही है गर्मी, ठीक है, दैट मीन्स लेवल सरपास कर रही है, टेम्परेचर सरपास कर रहा है डिफरेंट रीजन्स की वजह से। ठीक, इतना आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए याद रखो। अगर आप डिटेल वीडियो मेरा नहीं देखना चाहते हो जो मैंने इसी लेक्चर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक, ये ऑब्जर्व किया गया है सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड 1850 to 1900 ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखो ये जो अर्थ की हीटिंग वगैरह है ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली भी अकर करता है, ठीक है, लेकिन जो चीज नेचुरल होती है तो वो खुद को बैलेंस कर लेती है, अगर यहां से हीट बढ़ रही है तो अर्थ कुछ हीट वापस रिफ्लेक्ट बैक बैक भी करेगी, फाइन, तो ये हीट बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अब एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, मैन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जिस टेम्परेचर पे अर्थ गर्म होनी चाहिए वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज नेचुरली भी टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होगा, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस है उससे कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि वो खुद को बैलेंस कर लेगा, लेकिन जो मैन मेड एक्टिविटीज है उससे ही टेम्परेचर ज्यादा करके इंक्रीज हो रहा है जो हैंडल नहीं होगा। ठीक है, ये इसका ये हो गया एक्सप्लेनेशन हल्का सा। बाय अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, करंटली इंक्रीजिंग बाय मोर देन 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड। ठीक है, तो इतनी इंक्रीज हो गई है, एंड किस डिग्री से इंक्रीज हो रही है, 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड आपका जो अर्थ है वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा हीटअप हो रहा है। क्या कॉजेज है, एग्रीकल्चर पहला, ठीक है, अब एग्रीकल्चर कैसे, देखो एक्चुअली आपको याद रखना कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जब वो एटमोसफेयर में एमिट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट बनाते हैं ये सारे गैसेस, फाइन, एंड जो अर्थ की सारी अंदर हीट है उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देते और सबको ट्रैप करके रखते हैं, ये आपकी अर्थ हो गई और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, तो ये सारी हीट को अंदर ही ट्रैप करेंगे एंड वापस कुछ भी स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देंगे, इसकी वजह से अर्थ गर्म रहती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ग्लोबल वार्मिंग। मैंने हल्का सा बताया, डिटेल यहाँ पे नहीं बताऊंगी, ठीक है, वो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो एमिट होते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल मीथेन वगैरह, उससे क्या होगा, जितने ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, हमारे पास जैसे CO2 या मीथेन, ठीक, ये सारे गैसेस, ओजोन गैस, वाटर वेपर्स, इन सबको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो क्या करते हैं सारी जो हीट है उसको ट्रैप करके रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, अब क्या होगा, पेड़ जो होते हैं हमारे उनको कार्बन सिंक बोला जाता है कि वो स्टोर करते हैं अपने अंदर कार्बन, जब आप पेड़ काटोगे तो वो कार्बन कहाँ जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एटमोसफेयर में, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, एंड साथ ही में आपका ग्लोबल वार्मिंग। यूज ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, वो भी धुआं वगैरह जो छोड़ते हैं वहां से एमिशन उनकी जो होती है उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करते हैं अगेन एटमोसफेयर में जाते हैं एज
बींग अ ग्रीन हाउस गैस, ये क्या करेंगे, आपके सारे हीट को ट्रैप करेंगे. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जैसे आप रेफ्रिजरेटर्स वगैरह खोल के रखते हैं ना थोड़ी देर, तो वहां से गैस रिलीज होता है, आपको ऐसा पता नहीं चलेगा. नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, पर ये ग्रीन हाउस गैस एज एक्ट करते हैं. एंड देन अगेन, आपकी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है. तो नेचुरली वॉल्केनोज, वाटर वेपर या मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट. मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट दरअसल क्या होता है, दिस इज सैंड रॉक एंड क्ले हेल्ड टुगेदर बाय आइस. ठीक है, इसका मेल्ट होना या फॉरेस्ट में जो आग वगैरह लगती है, फाइन, उनसे भी क्या होता है, कार्बन वगैरह रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में जाके आपका क्या कर देता है, अर्थ को हीट अप करता है. इफेक्ट्स क्या होते हैं आपके, थ्रेट टू इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, हाई मोर्टेलिटी, डेथ रेट बढ़ जाती है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, कहीं पे अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया तो जो वहां की स्पीशीज थी उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है. तो इन सब चीजों के लिए थ्रेट एक्ट करता है. ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, क्लाइमेट चेंज. तो ये था आपका ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज. अब देखेंगे हम किन रीजंस की वजह से होता है. ह्यूमन एक्टिविटीज को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं. ठीक है, तो जिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से एमिशन हो जाता है चार प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैसेस का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोकार्बन. हेलोकार्बन हो गए ग्रुप ऑफ गैसेस कंटेनिंग फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैसेस है ये एटमोसफेयर में जाते हैं, एटमोसफेयर में जाएंगे, अर्थ को एक्स्ट्रा हीट अप करेंगे. एंड देन एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं आपके क्लाइमेट चेंज का, कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम इन गैसेस को थोड़ा सेपरेटली पढ़ेंगे, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं. फॉसिल फ्यूल से, डिफॉरेस्टेशन करने से, डिके ऑफ प्लांट मैटर. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से मैंने आपको बोला कैसे होता है, फॉसिल फ्यूल से मिलता है, वो जो प्लांट मैटर डिके हो जाता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. मीथेन एग्रीकल्चर से होता है, या जो आपके वेटलैंड होते हैं, जो मार्शी स्वेम्पी एरियाज होते हैं वहां से. नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, अगेन जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं वहां से, फर्टिलाइजर यूज करने से. एंड नेचुरली अगर आप बोलो, नाइट्रस ऑक्साइड ओशन से भी रिलीज होता है. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जो नाइट्रस ऑक्साइड ओशन से रिलीज होता है, ऐसा ऐसा कुछ, तो ये कभी एमसीक्यूज में आके आपको कंफ्यूज कर सकता है. हेलोकार्बन मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलीज होता है. प्रिंसिपल हेलोकार्बन कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC-11, CFC-12, और इनको रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटिंग या रेफ्रिजरेशन एजेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं. फिर ओजोन गैस. ओजोन गैस बेसिकली क्या होता है, जो O3 मॉलिक्यूल होता है ना, ओजोन लेयर तो आपको पता है, जो यूवी रेज प्रोटेक्ट करता है अर्थ तक पहुंचने के लिए, हमने बचपन में स्कूल में साइंस में सबने पढ़ा हुआ है. जब ये O3 मॉलिक्यूल आपका ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, अर्थ हमें पता है ऊपर लेयर्स है, ठीक है, एटमोस्फेयर के ऊपर क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर आई थिंक, फिर आपका मीजोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, ठीक है, ऐसे करके लेयर्स हैं. तो जो ट्रोपोस्फेयर है, जब ये O3 मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होता है, वो एक्ट करता है एज ओजोन गैस. ठीक है, एंड जब ये अर्थ के एटमोस्फेयर पे प्रेजेंट होता है, तो तब ये क्या एज एक्ट करता है, ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ. ये वो लोग आंसर कर पाएंगे जो मेरे वीडियो लेक्चर सारे देखते हैं, जिन्होंने ये वीडियो, मेरा डिटेल वाला वीडियो भी देखा होगा. तो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज होता है ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच केमिकली रिएक्ट टू प्रोड्यूस ओजोन. ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में O3 मॉलिक्यूल एज ओजोन एक्ट करता है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये केमिकली रिएक्ट करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए इस ओजोन को. ठीक, वॉटर वेपर जो है, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस. अगर एग्जाम में आता है मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, वॉटर वेपर. इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का छोटा रोल होता है, फाइन, तो ज्यादा ये कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज का थोड़ा इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है. कैसे, क्योंकि अर्थ वार्म हो गई, जब अर्थ ज्यादा वार्म होती है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट वैसा ही होगा. ठीक है, तो वहां पे वाटर वेपर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है एंड मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट है. एरोसोल क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड इन द एटमोस्फेयर. ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, फॉसिल फ्यूल से या बायोमास बर्निंग से, जैसे डेड बॉडीज एनिमल्स की या प्लांट्स वगैरह की, उनकी बर्निंग से उससे इंक्रीज होता है एरोसोल. एरोसोल में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ब्लैक कार्बन. ठीक है, आई होप यू रियलाइज, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि रिविजन सीरीज है, तो इसीलिए मैं क्विकली पढ़ रही हूँ. मैं सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी, यहाँ पे नहीं करूंगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनेगा ये रिविजन सीरीज का, अगर मैं हर चीज दोबारा एक्सप्लेन करूँ.
तो ये उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होगा जो फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं। इतना मैं समझा रही हूँ जो फर्स्ट टाइमर को भी समझ में आए, एंड एटलीस्ट अगर उसे सारा सिलेबस नहीं किया है डिटेल में कवर, वो मैराथन सीरीज देख के अपना एग्जाम दे के आ जाए। अब क्लाइमेट चेंज की कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन किसके रिलेटेड है? वेटलैंड्स के रिलेटेड, जो मैंने अभी कहा आपको मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज होते हैं, मार्शी स्वैम्पी। ये बेसिकली कहाँ पे, ईरान में एक सिटी है रामसर, उसी के नाम पे रखा है। एडॉप्ट किया इसको 1971 में एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1975। फाइव वेटलैंड्स श्रीनगर के, जम्मू एंड कश्मीर के, जो आपको याद रखने हैं, शालाबाग, हाईगाम, सुरनसर, मानसर, होकरसर, वुलर लेक। इसमें जो शालाबाग एंड हाईगाम है वो रिसेंटली ऐड हुए हैं। ये फाइव लैंड वेटलैंड जो है एज पर रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर किए गए हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो राम, क्योंकि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स रामसर कन्वेंशन जो है ये इसके अंडर आते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की। ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में कन्वेंशन हुई थी 2001 में, इसको अडॉप्ट किया गया था एंड फोर्स में कब आई थी, 2004 में। पीओपी आपके टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो काफी हार्मफुल होते हैं आपके एनवायरनमेंट के लिए एंड ह्यूमन हेल्थ वगैरह के लिए। इसकी एग्जांपल जैसे डीडीटी, आपने अगर स्कूल में पढ़ा होगा, डाइक्लोडाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेनियम पढ़ते थे, पेस्टिसाइड। ठीक है, तो वो एक पीओपी है, तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन में था। फिर आगे आपका यूएनएफसीसीसी, दैट इज अ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किसने लाया था? टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए थ्रू एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट, कि आपको कुछ चीजें अपनी यूसेज वगैरह रिड्यूस करनी होगी किस हिसाब से, तो वो यूएनएफसीसी डिसाइड करता है। वो वाला कन्वेंशन एडॉप्ट इसमें किया था फोर्स 1994। इसने, ये जो यूएनएफसीसी है, इट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस अग्रीमेंट। ये दोनों चीजें हमें आगे देखनी है। फिर रियो समिट, ये समिट किसके रिगार्डिंग था? एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के। ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, 1992। फिर यूएनसीसीडी, दिस इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कोई लैंड जो होती है, जब वो बैरन हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती, ठीक है, उस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। वो अब फर्टाइल नहीं रहती है, ठीक है, वो बैरन हो जाती है। तो 1994 में इसको अडॉप्ट किया गया था, केम इनटू फोर्स इन 1996। फिर क्योटो प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग था? इट वाज रिगार्डिंग टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, अडॉप्ट 1997, केम इनटू फोर्स इन 2005। तो काफी इंपॉर्टेंट, अगर सारे कन्वेंशन याद ना भी रखो, एटलीस्ट क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस अग्रीमेंट आपको याद रखना होगा। इसमें एक अमेंडमेंट भी हुई थी जिसको हम दोहा अमेंडमेंट बोलते हैं। फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जिनका हमें एमिशन कम करना है, वो कौन कौन से हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये आप खुद लिख लेना अपने नोट्स पे या कहीं पे भी जहां पे आप ये सारे शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहे हो। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, SF6 इज सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, PFC इज योर पर फ्लोरोकार्बन एंड HFC इज योर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता है आपके MCQ अगर यहां से आ जाए। ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज आपके सिलेबस में मेंशनड है, ठीक है, वो टॉपिक, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से गैसेस कवर्ड है? ग्रीन हाउस गैसेस कवर्ड है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, वो ये सारे हैं। अब इनडायरेक्ट गैसेस कौन से हैं जिनसे क्लाइमेट चेंज होती है? ठीक है, इनडायरेक्ट आपके ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आप याद रखोगे, डिटेल में नहीं जाना डायरेक्ट क्यों इनडायरेक्ट क्यों। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये है रिगार्डिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कार्टेजिनो प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यूएन रेड जो है, इट इज रिगार्डिंग लोअरिंग द एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। जैसे आपको मैंने कहा कार्बन, ये जो ट्रीज वगैरह हैं, फॉरेस्ट हैं, ये एक्ट करते हैं कार्बन सिंक, तो कार्बन स्टोर करते हैं। जब हम इनको डिफॉरेस्टेशन करते हैं, काटते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो वहां से जो एमिशन आएगी उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है? यूएन रेड। फिर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में डिसाइड हुआ था पेरिस में,
दिसंबर 2015 में। तो सीओपी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इट इज नथिंग बट आपकी जो कंट्रीज हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं वो मिलके उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उसको सीओपी बोलते हैं। ठीक, तो ये लीगली बाइंडिंग है और इसका मेन गोल क्या है, लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेफरेबली लिमिट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिमिट सेट की थी, कितना टेम्परेचर रखना है, वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड एटलीस्ट लिमिट करो इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी सरपास किया हुआ है, लेकिन ये इसका मेन गोल था। कि गाली अग्रीमेंट 2016 में अमेंडमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो हमने अभी देखा। ठीक, तो इसका एम क्या था, लोअर करना प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो मैं ऐसे करके लिखती हूँ ना कभी, जैसे नेशनल भी लिखा होता है ऐसे ऊपर एल, तो नेशनल या जैसे प्रोडक्शन कंजम्पशन ये वाली साउंड्स होती हैं, तो मैं वो ऐसे करके रखती हूँ इन केस यू गेट कंफ्यूज कि मैम क्या लिख रही है। COP28 टू यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ पे हुई थी, दुबई यूएई में। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, कि लॉस एंड डैमेज फंड एक ऑपरेशनलाइज होगा एंड इससे जो पैसा आएगा वो गरीब कंट्रीज यूज करेंगी क्लाइमेट चेंज से जो भी उनके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसको यूज करने के लिए वो फंड यूज करेंगे। एंड उस फंडिंग कौन करेगा, जो अमीर कंट्रीज हैं वो, एंड जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आती है, सन एनर्जी सोलर एनर्जी वगैरह, तो वो उनकी कैपेसिटी 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। एंड जो नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, पर्टिकुलरली मीथेन, उनको बाय 2030 हमें रिड्यूस करना है। एंड फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको हमें नेट जीरो अचीव करना है बाय 2050। ये COP28 में डिसाइड हुआ था। फिर ग्लोबल रिवर सिटी एलायंस GRCA उसने लॉन्च किया था एट COP28। ठीक, लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये जो अलायंस है वो लॉन्च किया गया था एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, और किसने लीड किया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो किसके अंडर आता है, हमारा जल शक्ति के अंडर। हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है अपना NPACC, वो कब लाया था, 30 जून 2008 में। उसके अंडर 8 नेशनल मिशन आते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 8 मिशन कौन से हैं, वो ये वाले हैं, वो देख लेना। ठीक है, वो एक बार यहाँ से आप गो थ्रू दीज वंस। फिर आता है आपका इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब मुझे बहुत लोग मांगते हैं कि कंपाइल्ड पीडीएफ में इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, उसमें ये नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। एक्चुअली वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो मुझसे गलती से उसका पीडीएफ डिलीट हो गया और वो मैं कहीं से, मुझे जो है उसको मैं वापस नहीं ला पाई उस पीडीएफ को। तो आपको ये जो मैंने बनाया हुआ है हैंड रिटन नोट, इसमें से अपने नोट्स ऐड करने होंगे। तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हमें पता है इकोनॉमी, GDP, नेशनल इनकम वगैरह ये सारी बातें होती हैं। सोशल डेवलपमेंट मींस आपका जो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है, वो सब कैसी चल रही है, वो सोशल डेवलपमेंट होती है। तो एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, पीसफुलनेस, डेमोक्रेसी, करप्शन, मीडिया कितनी फ्री है आपकी कंट्री में, सिविल राइट्स, आपको राइट फ्रीडम वगैरह कितने मिलते हैं अपने कंट्री में, वो इंडिकेटर्स होते हैं सोशल डेवलपमेंट के। जो सोशल डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी चेंज हो रही है वो बात बताती है। क्वांटिटी होते हैं, जब हम क्वांटिटेटिव किसी चेंज को बोलते हैं तो उस, जैसे हम GDP क्वांटिटेटिव टर्म्स में बोलते हैं, कुछ परसेंटेज हमारे पास क्वांटिटी होती है जो मेजर की जाती है, लेकिन आपका जो सोशल इंडिकेटर है वो क्या है, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो यूएन ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी सेट किए हैं, वो भी किस पे बेस्ड है, वो आपके, आप बोल सकते हो वो यही है आपके इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर टाइम मिलेगा तो देख लेना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है, हमें वहां से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो कैसे चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, अकॉर्डिंगली उनकी रैंकिंग सेट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, अब कुछ इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ये किसने दिया था, पॉल ए सैमुएलसन एंड विलियम डी नॉर्थाउस ने। ठीक है, अब आप बोलोगे इकोनॉमिक वेलफेयर है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात होगी, ना कि सोशल डेवलपमेंट। क्यों, हार्डली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी, जैसे वैल्यू ऑफ लेजर टाइम, DIY एक्टिविटीज, DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ, जैसे हम क्राफ्ट का काम घर में करते हैं ना, खुद ही कुछ बना रहे होते हैं, फाइन कागजों का कुछ बना रहे होते हैं, कोई क्राफ्ट क्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, ज्वेलरी बना रहे होते हैं हैंडमेड कि नहीं स्क्रैप मटेरियल से, दैट इज अ DIY एक्टिविटीज वो। एंड जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, फॉर एग्जाम्पल बेबी सिटिंग, अगर कोई बेबी सिटिंग करता है आप उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है, वो पैसे इकोनॉमी में कहीं काउंट नहीं होंगे, उसको कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता उस पर,
तो उसको अंडरग्राउंड इकोनॉमी में आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में हमें ये तीन चीजें और ऐड करनी चाहिए। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI शॉर्ट में, किसने फॉर्मुलेट किया था? मॉरिस ने। तो इसके क्या क्या इंडिकेटर्स आते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 देखी जाती है, मोर्टेलिटी इन्फेंट की क्या है, एंड लिटरेसी रेट, उससे पता चलता है। इन सब चीजों को कैलकुलेट करके हम निकालते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है किसी एक कंट्री का क्या है। HDI इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार किसने दिया था? UNDP ने दिया था। इसके डायमेंशन कौन से? लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज और अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ कैसे पता चलती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी एट बर्थ। नॉलेज कैसे पता चलती है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होते हैं, एंड देन एक्चुअल ईयर्स ऑफ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होते हैं, ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन बताता है? जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर पर्सन, दैट इज अ पर कैपिटा, वो क्या है। अब अगर जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना होगा तो क्या करोगे? HDI पहले मेल का निकालते हैं, फिर HDI फीमेल का निकालते हैं, अकॉर्डिंगली उनका एनालिसिस करते हो। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जो है उसमें तीन चीजें आती हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वेमेन की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एंड पावर क्या है उनका इकोनॉमिक रिसोर्स पे एंड डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। तो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर की जब बात आती है तो इसमें क्या ये डिफरेंट है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स से? इसमें नई तीन चीजें ऐड हुई थी कि एक फीमेल एम्पावर्ड है कि नहीं, वो इन तीन इंडेक्स को कैलकुलेट करके बताओ कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उसकी कितनी है, जॉब्स वगैरह, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसा है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उस पर उसका क्या पावर है, एंड जो पॉलिटिकली है वो कितनी एक्टिव हो, ठीक। आगे देखो, UNDP जो है इसे नया मेजर इंट्रोड्यूस किया 1996 में, इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी पावर्टी मेजर। ये बताता है लैक ऑफ थ्री बेसिक कैपेबिलिटीज, जो आपका पावर्टी मेजर बताता है। वो तीन बेसिक कैपेबिलिटीज क्या है? वेल नरिश एंड हेल्दी, नंबर 1। नंबर 2, हेल्थी प्रोडक्शन, कैपेबिलिटी टू हेल्थी प्रोडक्शन। हेल्थी प्रोडक्शन का कैसे पता चलता है? कितने जो बर्थ हैं वो अनअटेंडेड थे बाय ट्रेन्ड हेल्थ पर्सन, दैट मीन्स ट्रेन्ड हेल्थ पर्सन से वो प्रोडक्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो वो हेल्थी प्रोडक्शन के बारे में बताएगा। एंड एजुकेटेड एंड नॉलेज कैसे पता चलता है? उससे क्या पता चलता है? फीमेल लिटरेसी के बारे में, ठीक है। तो तीन मेजर्स में अगर आप लैग कर रहे हो वो आपको बताएगा कैपेबिलिटी पावर्टी मेजर कितना है। सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स SDI कौन बनाता है? UNRISD, दैट इज यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इन 1970, ठीक है, पहली बार दिया था। इसमें 16 कोर इंडिकेटर्स आते हैं, आपको डिटेल नहीं देखनी है, बस SDI कौन देता है वो पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन सफरिंग इंडेक्स IHSI, ठीक है। तो ये वॉशिंगटन बेस्ड पॉपुलेशन क्राइसिस कमिटी बनाती है, ये बताता है डिफरेंस इन द लिविंग कंडीशन अमंग कंट्रीज। लाइक कोई इंडिया में रह रहा है उसकी लिविंग कंडीशन कैसी है, कोई US में रह रहा है उसकी लिविंग कंडीशन कैसी है। ये 10 मेजर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर देखता है, किस किस में? इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट करता है, डेमोग्राफी एंड हेल्थ एंड गवर्नेंस से, ठीक है। वहां से 10 मेजर्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर निकालता है डिफरेंट कंट्रीज की, और बाद में उनकी डिफरेंस को अकॉर्डिंगली बताता है कितनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, ये किन किन इंडिकेटर से मेजर किया जाता है? सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है उस कंट्री का, इनकम क्या है, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन, ठीक है। वहां से वर्ल्ड इन इंडिकेटर्स पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो कैलकुलेट होती है। और ये कौन देता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। आगे देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दिस इंडेक्स इज गिवन बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ये एक जर्मन कंपनी है। इसके चार इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। हंगर लिख दिया मैंने, इट्स हंगर, इट्स अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी बिलो बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। तो बिफोर 5 ईयर जो बच्चों की डेथ हो जाती है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखने के लिए कि किस वजह से उनकी डेथ होती है। इज इट रिलेटेड टू हंगर एंड ऑल एंड न्यूट्रिशन। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, वेस्टिंग इज अगर एज के अकॉर्डिंग आपके जो
वेट है वो कम है, एंड स्टंटिंग इज अगर एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट कम है, ठीक है? तो वेस्टिंग ऐसे याद कर लो, डब्ल्यू से वेस्टिंग एंड डब्ल्यू से वेट, तो एज एंड वेट, एंड स्टंटिंग इज एज एंड हाइट, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी बिफोर एज, बिफोर 5 ईयर्स ऑफ एज जिस बच्चे की डेथ हो जाए, ठीक है? एंड उन इश्यूज के साथ जो कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन हंगर से रिलेटेड है, ये कैलकुलेट होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, एंड इट इज गिवन बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हाइल। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये कौन देता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। इसमें 12 कॉम्पोनेंट्स देखे जाते हैं 3 डायमेंशन के अक्रॉस, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो इन 3 डायमेंशन के अक्रॉस 12 कॉम्पोनेंट्स पे, वो कौन से कॉम्पोनेंट्स आपको डिटेल में नहीं जाना, कैलकुलेट होता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है कंट्री वाइज भी अलग अलग निकलता है, तो हमारी कंट्री में इसमें अलग टीयर्स हैं, टीयर 1 टू टीयर 6, ठीक है? तो कौन कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसी अकॉर्डिंग उनको एक टीयर एलोकेट होता है, तो डिटेल मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में बताया है। आप यहाँ पे बस इतना याद रखो, इंडिया का रैंक है 110 एंड J&K जो है वो टीयर 2 में नंबर 1 पे आती है, टोटल रैंक है उसका रैंक 10 एंड टीयर 2 में ये फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है? और ये कुछ रैंकिंग्स है, ये याद कर लो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर, ये कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका ये रैंक है, इसमें इंडिया का ये रैंक है, ठीक है? तो ये रैंकिंग है, एंड ग्लोबल जेंडर ये कौन देता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें 111th रैंक है, इंडिया किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सीरियस कैटेगरी में। तो आगे चलते हैं, ये हमारा जो लास्ट लेक्चर है यूनिट 4th का, उसका रिविजन, इसमें कौन से टॉपिक से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन। ट्रैफिकिंग यू नो बेचना, सेलिंग एंड बाइंग लोगों को, फाइन, तो क्योंकि ह्यूमन लिखा है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे आर्म ट्रैफिकिंग होता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग जिसमें वेपन्स को ट्रैफिक करते हो, या ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है? वैसे ही आप अगर इंसानों के साथ ये करोगे तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलेंगे। क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए कर सकते हो, या उनको अपना स्लेव बनाने के लिए इस वजह से कर सकते हो, ठीक है? तो काफी रीजंस की वजह से, सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए बच्चों के, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। यूएन ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, उन्होंने 4 P उसको 4 P फ्रेमवर्क बोलते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है ये करने के लिए कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आता है, प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग की, ठीक है? ये इनका एक फ्रेमवर्क है जो ट्रैफिकिंग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, वो प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रिपरेटर्स ऑफ ट्रैफिकिंग, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप टू अचीव दीज एंड, ठीक है? तो 4 P's हैं, पहले प्रिवेंट करो, फिर जिनकी ट्रैफिकिंग हो गई है उनको प्रोटेक्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करो, जिन जो इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करो, ठीक है? उनको सजा दो, एंड स्ट्रेंथन करो पार्टनरशिप, दैट मीन्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंट्रीज की इसमें मिलकर काम करनी चाहिए। 4 P's फ्रेमवर्क इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर कॉज ऑफ ट्रैफिकिंग क्या हो सकते हैं, जेनरिक सा क्वेश्चन है, इसका जेनरिक सा आंसर होगा गरीबी की वजह से, ठीक है? सोशल या कल्चरल प्रैक्टिस है किसी की ऐसी, पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर्स की, बॉर्डर्स पे अच्छी सारी सिक्योरिटी नहीं है, या माइग्रेशन, ये भी एक रीजन हो सकता है कि जैसे आपको माइग्रेट करना हो दूसरी कंट्री, लेकिन आपके जैसे ऐसा होता है ना, आपने मूवीज में भी देखा होगा किसी को बोलते हैं आपको किसी कंट्री में ले जाएंगे, वहाँ जॉब मिलेगी एंड ऑल, तो माइग्रेट करते हैं किसी रीजन की वजह से, पॉवर्टी की या कोई और रीजन की वजह से, एंड देन वहां पे वो इन सब चीजों में क्या होते हैं, वो फंस जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है क्राइमैक और क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है रियल टाइम बेसिस पे रिगार्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन में Article 23 जो है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, एंड Article 24 क्या है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, वो किसके रिगार्डिंग है। फिर और कौन सा एक्ट इसके रिगार्डिंग लाए गए हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसको ITA एक्ट या ITPA एक्ट भी बोला जाता है, ये है रिगार्डिंग कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और कौन कौन से एक्ट हैं जिनके जिनमें इसकी ट्रैफिकिंग की बात हुई है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड आपका ITA एक्ट, ठीक है? इन सब एक्ट में क्या हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग
कुछ ना कुछ क्लॉज या कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लाए गए हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनमें से किस एक्ट में डिस्कस की गई है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बोला गया है, तो हो सकता है आपको वहां पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो आपको लगेगा चाइल्ड मैरिज में ऐसा नहीं हुआ होगा। इसीलिए इन एक्ट के एटलीस्ट नाम और इनके ईयर्स आप याद रख लेना। इंडिया ने क्यों कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वो साइन की हुई है, रेटिफाई की है, दैट इज अ UNCTOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, एंड सार्क, सार्क कन्वेंशन। तो ये भी किसके रिगार्डिंग है, ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, इसकी रिपोर्ट आती है जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेटा एंड ऑल ये सारी चीजें उसमें पब्लिश की जाती हैं। फिर बायलेटरल मेमोरियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किन कंट्रीज के साथ साइन हुआ है, बांग्लादेश, UAE, कंबोडिया, म्यांमार। मेमोरियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो कुछ कंट्रीज के बीच में साइन होता है किन्हीं एक एजेंडा को लेके, जैसे यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, एंड कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें दोनों कंट्रीज अग्री करती हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करती हैं। तो बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, तो यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश, इंडिया UAE, एंड मल्टीलेटरल MOUs भी जो है इंडिया ने साइन करे हुए हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था हमें एक सेंसस लेके आना चाहिए, सेंसस ऑन मिसिंग चिल्ड्रन, ठीक। फिर आगे आपका बेगरी, बेगरी यू नो होता क्या है, भीख मांगना। तो इसका कोई एक नेशनल लॉ नहीं है, इसीलिए स्टेट जो है वो अपने लॉज इस पे बेगरी के रिगार्डिंग लेके आती है। तो कौन सा मेजर इसमें फॉलो होता है और किसमें इसकी डेफिनेशन है बेगरी एंड ऑल की, दैट इज बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959। इसके कुछ पॉइंट्स याद रख लो, इसमें पुलिस क्या है उसके पास पावर है अरेस्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स को जो इन्वॉल्व है बेगिंग में विदाउट वारंट, और मैजिस्ट्रेट जो है वो डिटेन कर सकता है इंडिविजुअल को अप टू 3 ईयर फर्स्ट ऑफेंस पे एंड अप टू 10 ईयर सेकेंड ऑफेंस पे, एंड जो उसकी फैमिली है बेगर की उनको भी डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 to 3 ईयर्स है किसकी, हु एक्सप्लॉइट्स अ चाइल्ड टू बेग फॉर आल्म्स, ठीक है, वो जो चैरिटी वगैरह के लिए अगर आपको क्या करना पड़े, भीख मांग मंगवाए कोई जबरदस्ती, उस इंसान को 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसको लीगली प्रोहिबिट किया है 20 स्टेट्स एंड यूटीज ने, इसके लिए कोई एक यूनिवर्सल मतलब एक सेंट्रल लॉ, एक नेशनल लॉ नहीं है बैगिंग को लेके। एक केस आया था सुहेल रशीद बट वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, उसमें जो JK का हाई कोर्ट है उन्होंने क्या कहा था, ये जो प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, ठीक। अब कुछ स्कीम देखते हैं, स्माइल स्कीम ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो उनने किसके लिए लाई थी, बेगर्स के लिए लाई थी, किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये इसका स्माइल का नाम है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो जो बेगिंग वगैरह में इन्वॉल्व है उनको रिहैबिलिटेट करेगा, कुछ बेनिफिट्स वगैरह देगा। तो एग्जाम में ऐसे आता है जो स्माइल स्कीम है वो किसके रिगार्डिंग है, तो आपको बेगर लिखा हो सकता है ऑप्शन में, या आपको आर्म्ड पर्सनल लिखा हो सकता है, वुमेन लिखा हो सकता है, ठीक है, या कुछ चिल्ड्रन लिखा हो सकता है, ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनते हैं। और स्माइल यूजली हमें लगेगा शायद किसी बच्चे से रिलेटेड है, तो वो बेगिंग से रिलेटेड है। टाइप्स, जुवेनाइल, जो जुवेनाइल बेगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड बेगर्स होते हैं, डिजीज कोई बीमारी है, रिलीजियस मेंडिकेंट्स, ठीक है, जो रिलीजन के नाम पे आपसे मांगते हैं ना वो भिक्षा दे टाइप, वो एबल बॉडीड होते हैं, जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन भीख मांगते हैं, एज एंड इन्फर्म्ड होते हैं, ठीक है, जो मतलब काफी एज होते हैं और पूरे साउंड माइंड के नहीं होते हैं। प्रोफेशनल हेरिडिटरी देख लो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है देखने वाला, दैट मीन्स वो प्रोफेशनली बैगिंग करते हैं एंड हेरिडिटरी है, दैट मीन्स वो फैमिली उनकी सारी जो होती है इस चीज में इन्वॉल्व, बच्चे फिर पेरेंट्स, पेरेंट्स उनके बच्चे, वो सारे इसको एक प्रोफेशन बनाते हैं। इसमें कुछ कास्ट एंड ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो नोमैडिक एग्जिस्टेंस के होते हैं, स्पेशली नोमैड्स कौन से होते हैं, जिनका घर नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जिनको हम बंजारा भी बोलते हैं, बंजारा, ठीक है। तो वो यूजुअली क्या कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग हो गया, या एक्रोबैटिक एक्टिविटीज हो गई, जैसे आपने अगर वो मूवी देखी होगी हेमा मालिनी की सीता और गीता, उसमें वो दिखाते हैं ना वो कैसे रस्सी पे चलती है वो एंड ऑल, या कोई नई मूवी ले लो अगर आपने नई मूवी में वो कहीं देखा होगा, वो होता है एक्रोबैट्स वगैरह करके जो पैसे जमा करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोफेशनल या हेरिडिटरी टाइप ऑफ बैगिंग भी बोला जाता है। तो उसमें कौन से कास्ट होते हैं, आप कैसे नट्स हो गए, बाजीगर्स हो गए, साइंस हो गए, जगलर्स हो गए, भट्स हो गए, कंजार्स हो गए, उनको नोमैडिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये किससे रिलेटेड है आपके, प्रोफेशनल बैगिंग से। करप्शन देखते हैं आगे, करप्शन के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, ब्राइबरी जो हमें पता है, रिश्वत एंड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन होता है जो पब्लिक ऑफिशियल क्या होता है, काम करने के लिए आपसे पैसे अगर लेता है, ठीक है, जो काम ऑल दो उसकी ड्यूटी है लेकिन वो पैसे लेके करता है, दैट इज एक्सटॉर्शन। नेपोटिज्म होता है जो क्या करेगा, जैसे कोई अपने बच्चे को अपॉइंट करे, ठीक है,
मेरिट बेसिस पे नहीं, बस जस्ट बिकॉज वो उसका बच्चा है या फैमिली मेंबर है, उसको वो एक पोस्ट दे देता है, दैट इज नेपोटिज्म. तो सईद हुसैन अलाताज जो है ये करप्शन सोशियोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दी है करप्शन की, जैसे ट्रांजेक्टिव करप्शन. ट्रांजेक्टिव करप्शन होता है जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा हो. एक्सटॉर्टिव करप्शन होता है जो हमने यहाँ पे देखा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई ब्रिज बन रहा है एंड जो कॉन्ट्रैक्टर है अब उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो जो पब्लिक ऑफिसर के पास जाता है, पब्लिक ऑफिशियल के पास, तो वो उसको बोलता है वो लीगल फॉर्मेलिटीज करने के लिए से पैसे डिमांड करता है, दैट इज एक्सटॉर्टिव. तो इन डिफेंस जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो जो अपना डिफेंस तैयार करेगा उसको बोलते हैं डिफेंसिव टाइप ऑफ करप्शन. ठीक है, इन्वेस्टिव करप्शन हो गया जो आप फ्यूचर के लिए करके रखते हो, जैसे किसी आप ऑफिस में जा रहे हो, अब आपको पता है वहां का जो ऑफिसर है वो आपके काम आ सकता है, तो आप क्या करते हो उसको स्टार्टिंग से ऐसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे के उसको पहले ही अपने हाथ में या जेब में रखने की कोशिश करते हो, आपको पता है जब में वो बंदा आपके काम आएगा, दैट इज इन्वेस्टिव. नेपोटिस्टिक इज नेपोटिज्म जो हमने यहाँ पढ़ा वही टाइप का करप्शन. ऑटोजेनिक जो इंडिविजुअल खुद करता है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स रिलेटेड कोई अगर चीज होगी. सपोर्टिव हुआ जो वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है, जैसे कोई ठग्स वगैरह को लेके आता है एंड गुंडे भेजता है कहीं से पैसे वगैरह कुछ लाने के लिए, तो उसको हम सपोर्टिव टाइप ऑफ करप्शन बोलते हैं. ऑटोजेनिक होता है जो इंडिविजुअल खुद करता है, इससे मोस्टली टैक्स वगैरह से रिलेटेड ही चीजें होती हैं. अदर टाइप्स ऑफ करप्शन देख लो, पहले आपका पॉलिटिकल करप्शन हो गया. पॉलिटिकल करप्शन हो गया फॉर एग्जांपल इलेक्शन के टाइम पे कुछ अगर हो रहा है, ठीक है, आपका जो इलेक्टोरल कमीशन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है उस टाइम पे आपके जो पब्लिक ऑफिशियल्स होंगे वहां पे वो सही से अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है, किसी एक पार्टी को फेवर किया जाएगा, दैट इज अ पॉलिटिकल करप्शन. इकोनॉमिक करप्शन होता है जो कैसे आपको पता चले कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने के लिए आप रिश्वत दे दो, फाइन, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो क्या हो सकता है इकोनॉमिक करप्शन, या जैसे बिजनेसमैन है वो टैक्स वगैरह की चोरी करें टैक्स पे ना करें, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक करप्शन. ब्यूरोक्रेटिक होता है जो आपके पब्लिक ऑफिशियल्स वगैरह बराइबरी लेते हैं. जुडिशियल करप्शन होता है जैसे किसी को फ्री बेल दे दी, फ्री बेल, ठीक है, या जजमेंट सही से पास नहीं की, डिस्टॉर्शन ऑफ जजमेंट, तो वो जुडिशियल करप्शन हुआ. मॉरल करप्शन हुआ जैसे प्रॉपर्टी है आपकी, अब आपको पता है कि आपको उस पर टैक्स करना है लेकिन आप उस पर टैक्स पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके मॉरल कंसाइंस से रिलेटेड है, दैट इज अ मॉरल करप्शन. अब कुछ लीगल फ्रेमवर्क जो है करप्शन को लेके, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसको अमेंड किया गया 2018 में, तो उसमें क्या चीज ऐड की गई, ब्राइब टेकिंग एंड ब्राइब गिविंग दोनों चीजों को क्रिमिनलाइज किया गया, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लेके आए. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि आप अपना 2 नंबर का पैसा कहीं बाहर भेज देते हो, फिर उसको किसी दूसरी चैनल से जैसे किसी एनजीओ के थ्रू डोनेशन के फॉर्म में वापस लेके आओ, ठीक है, ऐसा कुछ करके आप मनी को क्या करते हो, लॉन्ड्री में हम क्या करते हैं, लॉन्ड्री में हम गंदे कपड़े डाल के उनको साफ कर देते हैं, तो दिस इज आपका गंदा पैसा 2 नंबर का पैसा, उसको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, उसके अगेंस्ट ये एक्ट. देन कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें टर्म फ्रॉड को डिस्कस किया गया था, ठीक है, ये इसमें भी करप्शन के क्लॉजेज हैं. देन लोकपाल एंड लोक आयुक्ताज एक्ट, ये हो गया अगर कोई भी कंप्लेंट होगी अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स या आपके मिनिस्टर्स वगैरह, उनके अगेंस्ट अगर कोई करप्शन की कंप्लेंट होगी तो वो किसके अंडर आता है, लोकपाल एंड लोक आयुक्ताज. लोक आयुक्ताज आर योर स्टेट में एंड लोकपाल इज योर सेंटर, ठीक है, दे फंक्शन लाइक एन ऑम्बड्समैन. ऑम्बड्समैन क्या होता है, जैसे किसी एक इंस्टीट्यूट वो क्या करते हैं, एक कोई इंसान हायर किया एज देयर ऑम्बड्समैन, तो उस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट अगर करप्शन की कोई भी कंप्लेंट आती है तो कोई चैनल होगी ना जिसके थ्रू वो कंप्लेंट हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेगी, वो चैनल जो है उसको ऑम्बड्समैन बोलते हैं, ठीक. अब आपको क्या यहाँ पे देखना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, ये कौन देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके अकॉर्डिंग ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, ये लास्ट 3 कंट्रीज हैं. इंडिया है 93 आउट ऑफ 180, हमारे यहाँ पे हाईएस्ट करप्टेड मोस्ट करप्टेड स्टेट है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय राजस्थान. एंड ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है टू टैकल करप्शन, कौन कौन से यहाँ पे आते हैं, ये बस बॉडीज के नाम आप याद रख लो, हो सकता है ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए. सीबीआई इज योर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन सीवीसी, ईडी इज योर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी, ईडी इज योर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कैग हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जुडिशरी विजिलेंस डिपार्टमेंट, लोक आयुक्त, डीआरआई इज योर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रेवेन्यू, एंड बैंकिंग सेक्टर का जो ऑम्बड्समैन होता है जो मैंने आपको कहा जो चैनल होती है जिसके थ्रू आप अपने करप्शन की कंप्लेंट जो है हायर अथॉरिटी तक ले जाते हो, एंड योर कंज्यूमर फोरम्स. तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है टैकल करने के लिए करप्शन को, और इसके साथ ही आपका यूनिट 4 खत्म होता है. नेक्स्ट अब मैं आपको एमसीक्यू कवर करवाऊंगी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का, उसके बाद हम यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे मैं आपको स्कीम्स वगैरह कैसे कराती हूँ. तो जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है
आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो पुराना रिवाइज करने में। मेरी तरफ से आप अश्योर रहो, वीडियो आएगा एंड उस टाइम पे आएगा जब आपको मोस्ट उसकी जरूरत होगी, ठीक है। तो जिस पीरियड में नहीं आता है आपको पैनिक नहीं करना है, वीडियो का है वीडियो का है। तो जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि मेरा कंटेंट स्पेशलाइजेशन का खासकर काफी है यूट्यूब पे, तो आपको क्या करना है, तब तक पुरानी चीजों को रिवाइज करते जाना है, ठीक है। एंड माइंडलेसली एमसीक्यूज के पीछे मत भागो, फोकस ऑन योर रिविजन रिविजन रिविजन। फिर कुछ दिन दे दो एमसीक्यूज को, लेकिन आपका रिविजन जो है वो आपका मेन टूल है एग्जाम क्वालिफाई कराने का। तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट सीट, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।